सामान्य वापसी की तारीख 25 सितंबर के आसपास है। हालांकि जाते जाते इसने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। पहले बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हुई, वहीं आज सुबह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में बादल जमकर बरसे। अचानक हुई बारिश से मुंबई के लोगों की नींद खुल गई। वहीं बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की सूचना है। अंधेरी, गोरेगांव, सांता क्रूज, पवई खार जैसे इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 16 सितंबर के लिए महाराष्ट्र के पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी को भी आज अलर्ट पर रखा गया है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की सामान्य वापसी की तारीख 25 सितंबर के आसपास है। हालांकि जाते जाते इसने अपने तेवर दिखा ही दिए। पहले बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हुई, वहीं आज सुबह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में बादल जमकर बरसे। अचानक हुई बारिश से मुंबई के लोगों की नींद खुल गई। वहीं बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की सूचना है। अंधेरी, गोरेगांव, सांता क्रूज, पवई खार जैसे इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 16 सितंबर के लिए महाराष्ट्र के पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी को भी आज के लिए अलर्ट पर रखा गया है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की सामान्य वापसी की तारीख 25 सितंबर है। हालांकि जाते जाते इसने अपने तेवर दिखा दिए। पहले बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हुई, वहीं आज सुबह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में बादल जमकर बरसे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। महाराष्ट्र के लिए फिलहाल मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? कल रात 8 बजे से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मुंबई में जनजीवन बेहद व्यस्त है, क्योंकि जिस तरह से हालात मुंबई के और खासकर ठाणे और नवी मुंबई के हैं वो बेहद नाजुक है, क्योंकि लगातार घरों में, ट्रक पे, सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। लेकिन मुंबई में राहत की बात है कि मुंबई में तूफान के बाद से बारिश रुक गई है। उसके बाद से देखा जा रहा है लोग राहत की सांस ले रहा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से जिस तरह से सितंबर महीने में बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों में एक बातें सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है खुशनुमा हो गया है, लेकिन बारिश के चलते लोग कहीं ना कहीं काफी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, और क्या कुछ मौसम विज्ञान विभाग का कहना? बताया जा रहा है कि 25 सितंबर के आसपास एक बार फिर से मौसम खराब होगा और अभी से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मुंबई के लिए, और आज रायगढ़ और रत्नागिरी को भी अलर्ट पर रखा गया। सत्यप्रकाश, बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए मुंबई सहित महाराष्ट्र के जो विदर्भ इलाके हैं या महाराष्ट्र के अन्य जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर जलभराव की स्थिति हमेशा हो जाती है। लेकिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछली बार भी मानसून विभाग ने कहा था कि आने वाले 24 घंटे में जोरदार बारिश होगी। ठीक उसी तरह से मुंबई में लगातार गुरुवार से ही जोरदार बारिश हुई। आज सुबह 10 बजे के आसपास जो है जमकर बारिश हुई, जिसमें देखा जा रहा है कि मुंबई के उपनगरीय इलाकों में करीब 40 mm की बरसात हुई है, जबकि अन्य इलाकों में 40 से ज्यादा mm की बरसात हुई है। खासकर स्थिति नाजुक इसलिए नहीं बनी मुंबई में, क्योंकि जो जल भराव की स्थिति थी उसमें जो है कहीं कहीं राहत है, जबकि थाने में देखा गया तो रेलवे ट्रैक पर जलभराव की स्थिति देखी गई। उसके बाद थाने के अन्य जो इलाके हैं उनके घरों में पानी भर गया। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है कि भारी से भारी बरसात मुंबई में एक बार फिर से हो सकती है, लेकिन 25 सितंबर का जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसमें माना जा रहा है कि मुंबई की यह आखिरी बारिश होगी जब 25 सितंबर की होगी, लेकिन भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।